इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो तुम लोग स्कूल के बारे में, जैसे यहाँ सब कुछ परफेक्ट है। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को यूवी क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है, जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है। साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वह भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके वीएफएक्स है। वही दोस्तों, बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो। कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए है। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पाट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमेटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवतः 70 के दशक में।
फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिक फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन ओवर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है। अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम दिखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन कभी भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है। स्टोरी वाइज नहीं, विजुअली वो फिल्म का
इकलौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्षन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहाँ होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटी लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म और पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधेश्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है, जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को UV क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है, साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वो भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके VFX है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो। कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते हैं इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए है। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पार्ट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटरसेटिंग नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं।
लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवरथिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमाटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभाष की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवतः 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी, पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिग फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी, वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है, जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन अबोर्ड द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े
ग्रेसफुल लगते हैं। वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं, मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्टर और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है, मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है। अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम देखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन का भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है। स्टोरी वाइज नहीं, विजुअली वो फिल्म का इकलौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटे लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म और पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधे श्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है, जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधेश्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधेश्याम को UV क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है, साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वो भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशन दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसकी VFX है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और Amazon Prime Video पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन है तो।
कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पार्ट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटेसिटिंग नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमाटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवतः 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी, पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है।
राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिग फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन अबोर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है, अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम दिखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन का भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है। स्टोरी वाइज नहीं, विजुअली वो फिल्म का एक लौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटे लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म और पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधे श्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को UV क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है।
विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है। साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वह भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वहीं पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके वीएफएक्स है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते हैं इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पार्ट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमाटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो प्रभास की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवतः 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है,
मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिक फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन अबोर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं। वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं, मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है, मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है। अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम दिखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन कभी भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है। स्टोरी वाइज नहीं, विजुअली वो फिल्म का इकलौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटे लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म और पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधे श्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं,
क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को यूवी क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है। साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वह भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके VFX है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और Amazon Prime Video पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन है तो। कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते हैं इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए है। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पाट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटरसेटिंग नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमेटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूक पाता। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो।
प्रभास की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवत 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल फैंसी सीन्स है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी ना किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिग फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन अबोर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है, मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है। अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम दिखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है।
बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन कभी भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है, स्टोरी वाइज नहीं विजुअली। वो फिल्म का इकलौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटी लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म और पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधेश्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है, जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को यूवी क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है, साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वो भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके VFX है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो। कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते हैं इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए है। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पाट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री,
सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवरथिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमाटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभाष की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवतः 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी, पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं, तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है, तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिक फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी,
और विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है, जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन ओवर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं, मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है, मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है, अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम देखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन कभी भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है, स्टोरी वाइज नहीं, विजुअली। वो फिल्म का इकलौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्षन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटे लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधे श्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है, जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को UV क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है, जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है, साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वो भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके VFX है।
वही दोस्तों बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो। कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते हैं इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात ये है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पार्ट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटरसेटिंग नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमाटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवतः 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिग फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन अबोर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है, अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम दिखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन का भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है। स्टोरी वाइज नहीं, विजुअली वो फिल्म का इकलौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटे लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म और पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधे श्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना
दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को यूवी क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है, साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वह भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसकी वीएफएक्स है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में? यहाँ जाने कैसे देख सकते हैं इसे फ्री में? एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पार्ट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमाटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवतः 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात साफ साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी।
राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है, बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिग फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन अबोर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है, मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है। अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम दिखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन कभी भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है। स्टोरी वाइज नहीं, विजुअली वो फिल्म का एक लौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटे लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म और पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधे श्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है,
क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को यूवी क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है। साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वह भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वहीं पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके VFX है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और Amazon Prime Video पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन है तो। कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते हैं इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पाट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमेटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है।
तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो प्रभाष की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवत 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी, पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं, तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है, तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिक फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी, वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है, जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन अवर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं, मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है, मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है। अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका
बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम दिखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन कभी भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है, स्टोरी वाइज नहीं विजुअली। वो फिल्म का इकलौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटे लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म और पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधे श्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है, जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को UV क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है, साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वो भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके VFX है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो। कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते हैं इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए है। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पाट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटेसिटिंग नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है।
मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवरथिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमाटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवत 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी, पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल फैंसी सीन्स है, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं, तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है, तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता,
जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिग फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन अवर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है, अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम देखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन का भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है। स्टोरी वाइज नहीं, विजुअली वो फिल्म का एक लौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्षन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटी लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म और पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधेश्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है। राधे श्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शक के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शक के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधे श्याम को UV क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है, साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वो भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है।
निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके वीएफएक्स है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए है। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पार्ट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटरसेटिंग नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमाटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो प्रभास की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवतः 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है। प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी, पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है,
तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिक फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन ओवर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है, अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम दिखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन कभी भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है, स्टोरी वाइज नहीं विजुअली। वो फिल्म का इकलौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटे लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधे श्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वह भी हिंदी में, और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। बॉलीवुड में पहले भी बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनी है जिनकी कहानी हीरो हीरोइन और विलन पर ही आधारित रही है, लेकिन प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम काफी अलग है।
राधेश्याम शानदार दृश्य और गजब की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक मनोरम प्रेम कहानी है। इसका क्लाइमेक्स भी भव्य है। यह फिल्म दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आई है। प्रभास को एक रोमांटिक किरदार में देखना दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। गुलशन कुमार और टी सीरीज ने राधेश्याम को यूवी क्रिएशन प्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत किया है। यह फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है। प्रभास फिल्म में एक मशहूर ज्योतिष के किरदार में है जिसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। पूरी फिल्म में विक्रमादित्य यह दावा करता है कि उसके हाथों में प्यार की रेखा यानी लव लाइन नहीं है। साथ ही उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। वह हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भूत और भविष्य दोनों बता देते हैं। इसी क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और विक्रमादित्य को डॉक्टर प्रेरणा से प्यार हो जाता है। वो भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा की जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, लेकिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। अब आगे फिल्म में जो प्रेरणा की किस्मत में है वो होता है या कुछ बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे एक्टिंग के मामले में अव्वल है। वही पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इनके अलावा फिल्म में सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी पुलुकोंडा, भाग्यश्री, मुरली शर्मा और कुणाल राय कपूर ने भी अच्छा काम किया है। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखा है। फिल्म में बेहद खूबसूरत लोकेशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की खासियत इसके वीएफएक्स है। वही दोस्तों बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर, G5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, G5 और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो कैसे लगे प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में, यहाँ जाने कैसे देख सकते हैं इसे फ्री में। एक्टिंग की बात करें तो आखिर 350 करोड़ वाली फिल्म में बाहुबली को साइन किया गया है। प्रभास इस फिल्म में कुछ भी नहीं कर पाए है। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही टोन और पूरी फिल्म खत्म हो गई। बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी वाली डबिंग भी खुद ही कर दी है। अब वैसे तो इसे डेडिकेशन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के लिहाज से जबरदस्त नुकसान हो गया है। प्रभास के हिंदी संवाद काफी स्पार्ट है, कोई फीलिंग नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, सिर्फ बोल दिए है। पूजा हेगड़े राधे श्याम की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम भी औसत ही रह गया है। हिंदी के मामले में तो जरूर वे प्रभास से काफी बेहतर है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ज्यादा रंग नहीं लाई है। मेकर्स ने कोशिश पूरी की कि एक लार्जर देन लाइफ फ्रेम कहानी बनाने की, लेकिन एक बार भी वो कनेक्ट फील नहीं हुआ। उस वजह से पूजा भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिल्म में कुछ दूसरे बड़े नाम भी है, भाग्यश्री, सचिन खेड़ेकर और जगपति बाबू, लेकिन किसी का भी कैरेक्टर इस फिल्म की कहानी को रफ्तार नहीं दे पाया है, सेंस भी नहीं बना है। राधे श्याम का डायरेक्शन कई मामलों में गच्चा खा गया है, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तक ठीक है, लार्जर देन लाइफ होने में भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन कहीं से कुछ भी दिखा देना बिना किसी बैकग्राउंड के दर्शकों को कुछ मानने पर मजबूर करना, ये सब काफी खटकता है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण कुमार ने ओवर थिंकिंग की है। उन्होंने खुद कहा था कि इस फिल्म को लिखने में ही कई साल लग गए। उन कई सालों ने ही इस फिल्म की कहानी को इतना घुमावदार बना दिया है कि फ्लो तो खत्म हुआ ही, वास्तविकता भी कोसों दूर हो गई। इस कमजोर कहानी का असर सिनेमेटोग्राफर मनोज प्रमासा के काम पर भी काफी पड़ गया है। उन्होंने तो अपने कैमरे के लेंस में शानदार सीन कैद कर लिए। डायरेक्टर ने चाहा तो राम की बढ़िया लोकेशन भी दिखा दी, लेकिन क्योंकि कहानी में ही दम नहीं, इसलिए फिल्म का ये पहलू भी जान नहीं फूंक पाता। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, वह भी फ्री में। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो प्रभास की राधे श्याम फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी और फिल्म का रिव्यू, और साथ ही जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। ये एक पीरियड फिल्म है, यानी इसकी कहानी समय में पीछे जाकर घटती है, संभवतः 70 के दशक में। फिल्म का नायक विक्रमादित्य एक चर्चित पामिस्ट है। पामिस्ट यानी हाथ की रेखांक देखकर भविष्य बताने वाले। आज तक उसकी बताई हर बात सच साबित हुई है। अपने बारे में उसे लगता है कि उसकी रेखाओं में प्रेम का योग नहीं है, इसलिए वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो सिर्फ फ्लर्टेशनशिप में रहता है। ठीक उसी समय बड़े फिल्मी स्टाइल में उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की एक डॉक्टर से हो जाती है,
प्रेम होता है, मगर दोनों के उस प्रेम के पूरे होने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है किस्मत और दूसरे नंबर पर है खालिस बेवकूफी। राधे श्याम की सबसे बड़ी समस्या है उसका कंट्राइव्ड होना। उसे बनाने वाले को लगता है कि उसके कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की लव स्टोरी बना दी है, मगर ये फिल्म जैसे डायरेक्टर राधे श्याम कुमार के दिमाग में बनी थी पर्दे पर वैसे नहीं दिखती है। इस लेवल पर की रिसोर्स और स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म किसी अलग लेवल पर जा सकती थी, मगर वो अपनी पूंछ के पीछे ही भागती रह जाती है। इस फिल्म में जो रोमांटिक और जो सो कॉल्ड फैंसी सीन्स है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। अन्य शब्दों में उन्हें अनरियलिस्टिक भी कहा जा सकता है। फिल्म में एक सीन है जहां विक्रम बताता है कि वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। बाद में प्रेरणा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितने भी रोमांटिक सीन हैं, उनमें किसी न किसी तरह का खलल जरूर पड़ता है। कई बार रोमांस के बीच में अनफनी कॉमेडी आ जाती है, तो कई बार सपोर्टिंग कास्ट आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप सिनेमा पढ़ते हैं तो सपोर्टिंग कास्ट का कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका ये फिल्म बढ़िया उदाहरण है। प्रभास ने लंबे समय के बाद किसी रोमांटिक फिल्म में काम किया है। वो साधारण एक्टर नहीं है, बाहुबली प्रभास है, इसलिए उनकी फिल्म बड़े लेवल पर बनती है। राधे श्याम भी उसी तरह की भव्य फिल्म है। किसी फिल्म की भव्यता फिल्म की कहानी को बेफिजली उपलंगिक और रीच बनाने का काम करती है, मगर वो सब चीजें दर्शकों को तभी भाती है जब उसकी दिलचस्पी कहानी में बनी और बची रहे। जब कहानी में ही दम नहीं है तो सारी साजो सज्जा धीरे धीरे रहा हो जाती है और फिल्म बेरंगी बन जाती है। राधे श्याम के साथ भी यही होता है। फिल्म के हिंदी वर्जन के डायलॉग ऐसे हैं कि कुछ लाइनें सुनने के बाद लगता है कि इस कहानी में कुछ भी नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर या प्रेमी के वैसे और वैसे बातें नहीं करता जैसे विक्रमादित्य और प्रेरणा करते हैं। प्रभास ने फिल्म में जाहिर तौर पर विक्रमादित्य का रोल किया है। जिस इंट्रिग फैक्टर की बात हमने शुरुआत में की थी वो विक्रम से जुड़ा हुआ था, मगर फिल्म में तो रेगुलर रोमांटिक हीरो के रोल में है जो हर चीज को बड़ा चढ़ा कर करने में विश्वास रखता है। हालांकि उन ओवर द टॉप सीन्स में प्रभास बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, वो अपने ओर से कोशिश बहुत करते हैं मगर फिल्म को बचा नहीं पाते। पूजा हेगड़े ने डायरेक्ट और डॉक्टर प्रेरणा का किरदार निभाया है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक कैरेक्टर है, मगर उसमें हेफ्ट और डेप्थ नहीं है। हालांकि ये एक्ट्रेस की गलती नहीं है। अच्छी बात यह है कि फिल्म में उन्हें तकरीबन प्रभास जितना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में जयराम, मुरली शर्मा, भाग्यश्री और कुणाल राय कपूर जैसे एक्ट्रेस भी नजर आता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ नजर आते हैं। उनका बेसिक काम अच्छी भली चल रही कहानी को भटकाना है। राधे श्याम दिखने में सुंदर फिल्म है। फिल्म का VFX वर्क कमाल का है, बस एक ट्रेन वाले सीक्वेंस को छोड़कर, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई ट्रेन का भी रियल नहीं लगती। अपनी तमाम खामियों के दौरान और उसके बावजूद फिल्म एक धांसू लेवल का क्लाइमैक्स प्लान करती है। स्टोरी वाइज नहीं, विजुअली वो फिल्म का एक लौता पार्ट है जिसे आप बिना पलक झपकाए देखते हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन में 3-4 रोमांटिक गाने हैं, मगर वो कहानी पर जैसे बोझ लगते हैं। उनके वहां होना का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बस ये क्योंकि रोमांटिक फिल्म में गाने होते हैं। ये फिल्म मात्र 2.25 घंटे लंबी है, मगर देखते वक्त ऐसा लगता है मानो पिक्चर खत्म ही नहीं हो रहे,
क्योंकि फिल्म दर्शकों के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं स्थापित कर पाती। राधेश्याम बनावटी किस्म की रोमांटिक फिल्म है, मगर उसे लगता है कि वो बिल्कुल दिल की बात कर रही है। विचार के तौर पर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है, क्योंकि फेटलिज्म के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। फिल्म में कई सीन्स है जो एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि वो कहीं भी फिल्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती नहीं दिखते हैं। बहुत सारा बिखराव है जो सिमट नहीं पाता। राधे श्याम बड़े लेवल पर बनी एक बिलो एवरेज फिल्म है, जो अपनी प्रिविलेज को ना समझी के व्यर्थ कर देता है। अब बात करें इस फिल्म को OTT रिलीज पर, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो।